सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, नए चैनल पे आपका नए तरीके से स्वागत करते हैं। एसके झा न्यू ये चैनल आपकी सेवा में उपलब्ध है। तो चलिए बिना किसी टाइम गंवाए हुए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। अगर आपको आवाज़ सही से जा रही है तो जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए और सभी बच्चे जुड़ जाइए ताकि हम इस सेशन को स्टार्ट करें। और चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। द पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जब एक ये जितना भी क्वेश्चन है ये ALP CBBT 1 का क्वेश्चन है। मैं फिर से बता दूं, ये जितने भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं ये सब ALP CBBT 1 के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। तो मेरे दोस्त सबको पता है कि परिपथों का समूहन दो प्रकार से होता है। परिपथों का जो समूहन है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन और एक होता है मेरे दोस्त समानांतर क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन का क्या मामला है। श्रेणी क्रम समूहन ये ऐसा होता है, ये मान लीजिए एक R1 प्रतिरोध है और ये एक R2 प्रतिरोध है। समानांतर क्रम समूहन ऐसा होता है, सबको मेरे दोस्त पता है, यहाँ से क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। ये R1 है, ये R2 है। इसमें जो है श्रेणी क्रम समूहन में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है और धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम समूहन में वोल्टेज का मान अलग अलग और धारा का मान समान होता है। समानांतर क्रम समूहन में वोल्टेज का मान समान होता है और धारा का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। धारा का मान जो होता है वो अलग अलग होता है, गौर फरमाइएगा। इसमें समतुल्य प्रतिरोध जो होता है आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है और इसमें जो R टोटल का मान होता है R टोटल इज इक्वल टू R1 R2 बटा R1 प्लस R2 होता है। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम से न्यूनतम होता है और इसका महत्तम से महत्तम होता है। श्रेणी क्रम में अगर हम बात करें इसका समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम इसका समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम होता है। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है मेरे दोस्त वो महत्तम से महत्तम होता है। मेरे दोस्त हम भी सुबह जगेंगे और आपको भी जगाएंगे। इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो न्यूनतम से न्यूनतम होता है। इसका समतुल्य प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो ये न्यूनतम से न्यूनतम होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम होता है और इसका समतुल्य प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो ये न्यूनतम से न्यूनतम होता है। इसमें वोल्टेज का मान अलग होता है, धारा का मान समान होता है। इसमें वोल्टेज का मान समान होता है, धारा का मान अलग होता है। समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग। समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग। समानांतर क्रम संयोजन जो होता है ये हमारे घरों में भी होता है। घरों में अगर तुमको कह दे समानांतर क्रम संयोजन और अगर घर में नहीं कहेगा तो श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। तो घर में जो समानांतर होता है तो घर में हमारा वोल्टेज समान होता है और धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ से अगर हम चलते हैं, एक बच्चा लिख रहा है कि सर क्या आपको ठंड नहीं लग रही है। मेरे दोस्त ठंड नहीं लग रही है, उतनी भी ठंड नहीं है। अंदर में इनर पहने हुए हैं। अब अभी इनर खोल के तुमको दिखाएं तब थोड़ा समझ में आएगा। दोस्त मेरे एकदम आप जैसे कंबल में हैं, सिकुड़े हुए हैं मेरे दोस्त। एकदम उठ के बैठिए और कलम पकड़िए और एकदम सरिया के जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि अभी जो हम आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जितने भी उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस हैं वो सब हम आपको करवाने वाले हैं। इसलिए एकदम उठ के बैठ जाइए। 4 महीना अपने आप को झोंक दीजिए। इसी 4 महीने में चला आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो इस 4 महीने में बढ़िया से अपने आप को झोंक दीजिए ताकि आप हर हाल में अपनी मंजिल को पा लें। तो मेरे दोस्त एकदम यही 4 महीना है, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। इस 4 महीने में अपने आप को एकदम झोंक देना है। तो कहते हैं इसमें वोल्टेज अलग अलग है, धारा समान है। इसमें वोल्टेज समान है और धारा क्या है, अलग अलग है। इसमें महत्तम से महत्तम होगा इसका प्रतिरोध और इसमें प्रतिरोध जो होगा वो न्यूनतम से न्यूनतम होगा। तो अब आप क्वेश्चन की दुनिया में चलिए। घर में किस क्रम में होता है, समानांतर क्रम में। कहता है जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। तो करंट का मान हम कहेंगे बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है, एक ही रहता है। तो भैया करंट का मान, इसमें धारा का मान समान होता है और वोल्टेज का मान जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। धारा का मान समान होता है और वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अगला कहते हैं, और अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करोगे मेरे दोस्त, श्रेणी क्रम संयोजन का तो जितना भी फ्यूज है इस श्रेणी क्रम में होता है। फ्यूज के बाद अगर हम आते हैं श्रेणी क्रम में होता है और अगर हम बात करें एमसीबी की तो एमसीबी श्रेणी क्रम में होता है। लरी जो होता है मेरे दोस्त, जो दिवाली वगैरह में हम लोग लगाते हैं, यह भी किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में होता है। जो लरी वगैरह लगाते हैं हम लोग बल्ब वगैरह का, वो किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। फ्यूज श्रेणी क्रम में होता है, एमसीबी श्रेणी क्रम में होता है। आमीटर की अगर हम बात करें, आमीटर की अगर हम बात करें तो यह भी श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, क्योंकि ये धारा मापने वाला यंत्र है। इतना ही आपको पूछेगा, आमीटर जो है ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और अगर हम बात करें मेरे दोस्त समानांतर क्रम की, तो समानांतर क्रम में अगर हम बात करें समानांतर क्रम की, समानांतर क्रम में घर में जो वायरिंग होता है ये समानांतर क्रम में होता है। उसके बाद आप वोल्ट मीटर ले लीजिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, वोल्ट मीटर भी आपका समानांतर क्रम में होता है। जो वोल्ट मीटर होता है मेरे दोस्त वो भी हमारा समानांतर क्रम में होता है। और घर में भी जो हम लोग वायरिंग करते हैं वो किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में होता है। वोल्ट मीटर भी समानांतर क्रम में लगाया जाता है। जबकि आमीटर की अगर बात करोगे तो ये श्रेणी क्रम में लगाया। धारा मापी यंत्र श्रेणी क्रम में, वोल्टेज मापी यंत्र समानांतर क्रम में लगाया जाता है। तो इतना क्वेश्चन आपको पूछा जाता है मेनली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहते हैं सेल्सियस को केल्विन में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा चला, एक्स डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए एक्स प्लस 273 जोड़ते हैं, तब ये केल्विन में बदलता है। और एक्स केल्विन को डिग्री सी में बदलना है तो बताइए जल्दी से कमेंट्स कीजिए क्या 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 आंसर हो जाएगा। एक्स माइनस 273 डिग्री सी करेंगे, एक्स डिग्री सी को केल्विन में बदलना है एक्स प्लस 273, और एक्स केल्विन को डिग्री सी में बदलना है एक्स माइनस 273 कर देंगे। तो मेरे दोस्त अब कैसे आपको पता चलेगा? आप देखिए सी का पोजीशन ए बी सी डी में 3 है और के का पोजीशन 11 है, तो 3% से 11% में जाना है तो जोड़ देना है 8, और 11% से 3% में आना है तो घटा देना है 8। ध्यान दीजिएगा, 3 से 11 में जाना है तो जोड़ देना है, यानी सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो जोड़ देना है, और केल्विन से सेल्सियस यानी 11 से 3 में आना है तो घटा देना है। आप गौर से देखिए यहाँ 3% से 11% में गए, के का पोजीशन एबीसीडी में 11 है तो जोड़ देंगे, 11% से जब 3% में जाएंगे तो घटा देंगे। अब जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में आएगा ना मेरे दोस्त, यहाँ पर आप कंफ्यूज कर जाइएगा। बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? दिए गए मेरे दोस्त पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है आपके पास, आप ये जान लीजिए, और बहुत ज्यादा पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है आपके पास। इसलिए एकदम पढ़ाई जी जान से लग जाइए और खूब मन लगा के पढ़िए। पीछे की बातों पर अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा और खूब मन लगा के पढ़िएगा। अब तो साल में 5-5 एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। अब ये नहीं कहना कि सर लगता है बिक गए हैं। मेरे दोस्त बिकने की बात नहीं है, हम शिक्षक हैं और हमेशा पॉजिटिव रास्ते ही हमको सक्सेस दिलाते हैं, ऐसा खुद भी मानते हैं और बच्चों को भी बताते हैं। तो बताइए चला जी आंसर क्या हो जाएगा। कहते हैं बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा, तो हम कहेंगे भैया कि दिए गए तापमान में 273 गुना करके जोड़ने पर किससे, सेल्सियस यानी 3% से 11% में जाना है तो जोड़ देना होगा। दिए गए तापमान में 273 जोड़ देने पर हम ये प्राप्त कर सकते हैं। देख लो 3% से 11% में जाना है तो 11% में जाना है तो ऑब्वियस सी बात है 3% से 11% में जाना है तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। 11% से 3% में जाना है तो घटा देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 किलोग्राम वजन है, m का मान है 4 किलोग्राम। वजन की एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लगाने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करता है। भी का मान है 5 मीटर पर सेकंड। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य अगर निकालना है तो देखो कार्य का बहुत सारा फॉर्मूला है। कार्य की अगर हम बात करें तो ये एफएस कॉस थीटा भी एक फॉर्मूला है, एफएस भी एक फॉर्मूला है, एमजीएच भी एक फॉर्मूला है, और आज जान लीजिए कि हाफ एम भी स्क्वायर भी एक फॉर्मूला है। जैसे शक्ति बराबर जो होता है ये कार्य बटे समय होता है, तो कार्य बटा समय अगर होता है मेरे दोस्त, कार्य का फॉर्मूला एक एफ एस कॉस थीटा भी होता है, एफ एस कॉस थीटा भी होता है, अब बटा टी हो जाएगा समय है तो, या एफ एस बटा टी हो जाएगा, या अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो एफ एस बटा टी हो जाएगा, या अगर हम बात करें एम जी एच बटा टी हो जाएगा, या अगर हम बात करें हाफ एम भी स्क्वायर बटा टी हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला शक्ति के लिए मान्य है। जो आपको दिया हुआ रहेगा, अब एम और भी दिया हुआ रहे, एफ और एस दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एम जी एच दिया हुआ रहेगा ये फॉर्मूला लगाएंगे, एम और भी दिया हुआ रहेगा ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो कहते हैं अभी हम लोगों को जो कार्य निकालना है, कार्य के लिए हम लोग खाली कार्य के लिए क्या जानते थे कि एफ एफ कॉस थीटा होता है, लेकिन अब जानिए कि एम जी एच ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, मतलब ऊर्जा भी एक प्रकार का कार्य ही है। तो मेरे दोस्त इधर आते हैं, अगर हम कि कार्य की बात करते हैं तो कार्य बराबर हो जाएगा कार्य बराबर यहाँ m और v दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, हाफ m, m का मान कितना है मेरे दोस्त 4 इंटू v स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 5 चौका 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 50 जूल इज द आंसर, इज द राइट आंसर। देखिए बच्चा हमेशा ये जानता है कि कार्य बोले तो एफ एस कॉस थीटा बोले तो एम जी एच बोले तो एफ एस कॉस थीटा, लेकिन अब जानिए कि एम जी एच एक प्रकार की ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, यह भी एक प्रकार का कार्य है क्योंकि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर ये गतिज ऊर्जा है, तो ऊर्जा एक प्रकार का कार्य ही तो है क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही तो क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 50 जूल इज द राइट आंसर। वैसे ही शक्ति बराबर कार्य बटा समय होगा, तो कार्य के जगह पर एफ एस कॉस थीटा भी दे सकते हैं, एफ एस भी दे सकते हैं अगर थीटा का जिक्र नहीं है तो, या एम जी एच भी दे सकते हैं, या हाफ एम वी स्क्वायर भी दे सकते हैं, ये सब कार्य के जगह जा सकता है। जल्दी से लिख लीजिए फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, यही चिला आपके जीवन को बदल सकता है। और अभी जो भी लोग बहुत सारी बातें सोच रहे होंगे तो मैं आपको चिला बता दूं कि ऐसा नहीं है, पहले भी वो चूंकि 5 साल में वैकेंसी आती थी इसलिए 60,000 दिखता है, तो अब हर साल आपको 15,000 वैकेंसी अगर मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो गलत नहीं होगा। आप लोग खूब मन लगा के तैयारी कीजिए, अब जो चीज़ें हैं उसमें पॉजिटिविटी की तलाश करनी होगी और तब आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा काम होगा। अब आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं चला हम नहीं जानते, आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आंखों को बंद कीजिए और ये खुद से पूछिए कि क्या झा सर ने हमारा साथ दिया या नहीं दिया। हमने मेरे दोस्त अपने 11 लाख का चैनल हमारा चला गया, अब वो चैनल हमारे पास नहीं है, तो ये आप सोच भी नहीं सकते हैं ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। 2000 घंटे जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो ये 10 सेकंड आप देख रहे हैं, 2 मिनट देख रहे हैं, 10 मिनट 20 मिनट देख रहे हैं ना, 2000 घंटे हमने अपने चैनल पे पढ़ा रखे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उन सब चीज़ों पे नहीं चलते हैं, हम लोग निगेटिव विचारधारा वाले लोग नहीं हैं, हम लोग पॉजिटिव काम करेंगे। एक प्रतिरोध में से विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, एक स्रोत प्रतिरोधक में भी का विभवांतर बनाए रखने के लिए टी स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। ऊर्जा की मात्रा यहाँ पूछ रहा है, तो ऊर्जा जो है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है, और ऊष्मा यानी ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते हैं एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर होता है वी आई टी, एच बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, वी आई टी, वी स्क्वायर आर बाई टी या पी इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है ऊष्मा का। अब इसमें से जो फॉर्मूला आपको कह रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, देखिए आई स्क्वायर आर टी है क्या ऑप्शन में, नहीं है, वी आई टी है क्या ऑप्शन में, हाँ यहाँ दिख रहा है वी आई टी, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर, What is the answer? सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। वी आई टी इज द राइट आंसर, या आई स्क्वायर आर टी इज द राइट आंसर, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी इज द राइट आंसर, या पी इंटू टी इज द राइट आंसर। अगला कहते हैं जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, देखिए एकदम सिंपल है, ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण में, मेरे दोस्त जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। ये पोल है, ये फोकस है, ये फोकस है आपका, ये सेंटर है और ये कहीं ना कहीं इनफिनाइट है। तो आप गौर से देखिए, अगर हम वस्तु को कहाँ रखते हैं मेरे दोस्त, अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो ये फोकस पर बनेगा, अनंत और सी के बीच रखते हैं तो ये एफ और सी के बीच बनेगा, सी पर रखते हैं तो ये सी पर बनेगा, सी और एफ के बीच रखते हैं तो ये सी और अनंत के बीच बनेगा, एफ पर रखते हैं तो ये अनंत पर बनेगा, और एफ और पी के बीच रखते हैं तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। तो सबको पता है ये पोजीशन, एकदम आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यहाँ से आएंगे तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये पीछे जाएगा तो 6 नंबर। यहाँ से यहाँ तक छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ये जो होगा मेरे दोस्त, ये जो होगा ये बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ये बराबर बनेगा और यहाँ जो होगा इधर वाला ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और ये सब का सब वास्तविक और उल्टा बनेगा। इधर वाला जो होगा वो काल्पनिक 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 सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। देख लीजिए एकदम बढ़िया से। तो क्वेश्चन कह रहा है पी और एफ के बीच यानी 6 नंबर, तो 6 नंबर पोजीशन कहाँ है? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। जब वस्तु को ध्रुव यानी P और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए छवि को की स्थिति क्या होगी? अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए छवि की स्थिति का पता P और F के बीच जब रखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा, जो बनेगा काल्पनिक सीधा और बड़ा। आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। अगला, ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो गौर फरमाइएगा, एक और 333 मीटर पर सेकंड के वेग से ध्वनि गमन करती है, 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाएगी? तो ध्वनि के द्वारा तय की जाएगी। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि कण है, ध्वनि रिसीवर है, ध्वनि स्रोत है, ध्वनि अशांति है। अशांति को ही तो हम लोग ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि तरंग कैसा तरंग है? ध्वनि तरंग दाब तरंग है, ध्वनि तरंग प्रत्यास्थ तरंग है। ध्वनि तरंग की अगर बात करोगे तो ये यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंग ये यांत्रिक तरंग है। देखो ध्वनि तरंग दाब तरंग है लेकिन ये दाब पर निर्भर नहीं करता। जैसे आपको कहेगा ध्वनि तरंग किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कहेंगे दाब पर निर्भर नहीं करता है। कहेगा ध्वनि तरंग दाब तरंग है, कहेंगे हाँ है। जैसे किसी का नाम आम कुमार है तो ऐसा थोड़े है कि वो खाली आमे पर निर्भर करेगा। तो ध्वनि तरंग का नाम दाब तरंग है लेकिन ये दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि अगर कहेगा किस पर निर्भर नहीं करता, ध्वनि निर्भर नहीं करता अगर दे दे ध्वनि निर्भर नहीं करता तो कहेंगे किस पर निर्भर नहीं करता मेरे दोस्त, दाब पर निर्भर नहीं करता। अगर कह दे आपको ध्वनि निर्भर नहीं करता तो कहेंगे दाब पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता मेरे दोस्त? दाब पर निर्भर नहीं करता है। अगला कहता है 25 किलो ओम प्रतिरोध वाले एक तार, बहुत बढ़िया बात, आर का मान दे दिया है 25 किलो ओम प्रतिरोध वाले एक तार पर 12.5 वोल्ट का विभवांतर है, वोल्टेज है 12.5 वोल्ट। प्रवाहित होने पर विद्युत धारा मिली एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तो एकदम सिंपल है ये ओम्स लॉ का, लेकिन उतना सिंपल है नहीं। आई बराबर होता है भी बाय आर, भी का मान हो जाएगा मेरे दोस्त 12.5 और आर का मान हो जाएगा 25 किलो ओम। 25 किलो ओम बोले तो 25 गुना 1000। अब इसको मिली एम्पियर में व्यक्त करना है तो 12.5 दूनी हो जाएगा 25 यानी 1/2। 1/2 बोले तो 0.5, इस 12.5 दूनी 25 1/2 तो 1/2 बोले तो 0.5। 1000 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ इसको मिली लिख सकते हैं। ये हो गया इतना एम्पियर, इतना मेरे दोस्त एम्पियर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 मिली एम्पियर, चूंकि e 10³ के बदले हम लोग मिली लिखेंगे। अब जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर, ए फॉर एप्पल। यह आई बराबर भी बाय आर ए पर है ओम्स लॉ पे, लेकिन चला इस सब एएलपी सीबीटी 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। जितना भी है यह सब एएलपी सीबीटी 1 का ओरिजिनल क्वेश्चन है और कितना ट्रिकी क्वेश्चन है वो आप देखने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। एकदम हाथ धो के 3.5 से 4 महीना पढ़ जाओ, आगे तुमको इस साल खाली 5 गो एग्जाम देखने को मिलेगा। तो कहते हैं आई बराबर होता है भी बाय आर, भी का मान कितना है 12.5 और आर का मान कितना है 25 किलो ओम। तो 25 गुना किलो के बदले 1000 कर दिए तो 12.5 दूनी 25 1/2 ये 0.5 हो गया। अब 1000 ऊपर चल जाएगा 10³ हो जाएगा 0.5 × 10³ तो 0.5 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एकदम यूनिट का ध्यान रखना होगा। किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत डैश एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए कार्य के बराबर होता है। देखो एकदम सिंपल हम बात करते हैं प्रवाह का कारण, प्रवाह का कारण की अगर हम बात करें तो एकदम सिंपल लफ्जों में धारा प्रवाह का कारण क्या है? धारा प्रवाह का कारण है मेरे दोस्त विभवांतर। अगर हम बात करें मेरे दोस्त ऊष्मा प्रवाह का कारण, ऊष्मा प्रवाह का कारण है तापांतर। एकदम सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। कहते धारा प्रवाह का कारण कौन है? विभवांतर। ऊष्मा प्रवाह का कारण कौन है? तापांतर। उठलने जा रहा है, उठोन रे चोट्टा, उठ 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 उठ, एकदम सुतले सुतल देखेगा, उठ जा उठ जा मेरे दोस्त, क्योंकि तुझे अपनी मंजिल को पाना है। मम्मी को क्या कह के आया था तुम मेरे दोस्त? तेरा जगाना मेरा काम है और तेरा जगना ये तुम्हारा काम है। तो कहते हैं मेरे दोस्त धारा प्रवाह का कारण कौन है? विभवांतर। ऊष्मा प्रवाह का कारण कौन है? तापांतर। और अगर हम बात करें द्रव का प्रवाह का कारण क्या है? अस्तर में अंतर या घनत्व में अंतर, या घनत्व में अंतर। जल्दी से लिख लो, धारा प्रवाह का कारण विभवांतर है, ऊष्मा प्रवाह का कारण तापांतर है, द्रव के प्रवाह का कारण घनत्व में अंतर है। तो आंसर जल्दी से यहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। कहते हैं इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं विभवांतर के कारण, विभवांतर के कारण। Q बराबर मेरे दोस्त IT होता है, Q आवेश है, Q बराबर IT होता है। तो आवेश का SI मात्रक कूलम्ब है, लेकिन इसका एक SI मात्रक एम्पियर सेकंड भी है, एम्पियर सेकंड, I फॉर एम्पियर, T फॉर सेकंड। इसी एम्पियर सेकंड को हम लोग कूलम्ब भी कहते हैं, इसी एम्पियर सेकंड को हम लोग कूलम्ब भी कहते हैं, इसी एम्पियर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? कूलम्ब भी कहते हैं। धारा की अगर हम बात करें तो धारा एक अदिश राशि है, धारा की अगर हम बात करें तो धारा एक अदिश राशि है, लेकिन अगर वहीं धारा घनत्व दे देगा। देखो धारा, अगर विद्युत धारा की हम बात करें मेरे दोस्त तो विद्युत धारा की अगर हम बात करें, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है मेरे दोस्त? विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व की अगर हम बात करें तो ये सदिश राशि है। ये हमेशा ध्यान रखना, धारा जो है वो अदिश राशि है और धारा घनत्व जो है वो सदिश राशि है। धारा एक अदिश राशि है और धारा घनत्व जो है वो सदिश राशि है। अगला सीमेंस, कहते हैं गौर फरमाइएगा, अगर चालकता की बात करें तो प्रतिरोध बराबर होता है, ये जो विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता को हम लोग G से डिनोट करते हैं। जी बोले तो चालकता, 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 और चालकता बराबर होता है 1/प्रतिरोध, 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 प्रतिरोध बोले तो R। चालकता बराबर होता है 1/प्रतिरोध, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/ओम, इसी को लिख सकते हैं पर ओम, इसी को लिख सकते हैं उल्टा ओम, इसी को हम लोग लिखते हैं महो, इसी को हम लोग लिखते हैं साइमेन। देख लो चालकता बराबर 1/प्रतिरोध, प्रतिरोध का उल्टा होता है मेरे दोस्त चालकता। अब ध्यान देना, हम बोले मेरे दोस्त 7 दिन में वो सारे उल्टे पुल्टे प्रश्न जो आपको दिक्कत कर सकते हैं, जो स्मार्ट हैं या जो पढ़ना है, वो सब हम आपका कंप्लीट करवा देंगे। 140 क्वेश्चन लगभग, पीटी का जो भी छटा हुआ क्वेश्चन होगा वो हम आपको करवा देंगे। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप सो भी सकते हैं मेरे दोस्त। लेकिन हमको ये पता है मेरे दोस्त कि जिसको मंजिल पाना है उसको नींद नहीं आती है, वो दिन में आंख खोल कर सपने देखा करते हैं। तो कहते हैं मेरे दोस्त G बराबर 1/R है, तो 1/प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध तो बोले तो प्रतिरोध का ओम होता है 1/ओम, ओम ऊपर जाएगा पर ओम, ये हो जाएगा उल्टा ओम, ये हो जाएगा महो, और ये हो जाएगा साइमेन। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? साइमेन किसका मात्रक है? विद्युत चालकता का। विद्युतशीलता बोले तो कुछ नहीं होता है, पारगम्यता भी कुछ नहीं है, वाट बटे स्टे रेडियन भी कुछ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, आंसर हो जाएगा C। किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने पर, देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न है, दबाव बढ़ाने पर वस्तु का आयतन और घनत्व, ये बॉयल्स का नियम है। ये अगर पूरी की पूरी बात हम करें, ये बॉयल्स का नियम है। बॉयल्स का लॉ को अगर आप पूरा डिटेल में पढ़े होंगे तो बॉयल्स का लॉ देखिए क्या है, बॉयल्स लॉ क्या है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। एक तो ये लॉ है, दूसरा लॉ क्या है, भी बराबर पी, भी द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन अगर करोगे, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व करोगे तो पी समानुपाती हो जाएगा रो के, रो घनत्व है कब, जब टी कांस्टेंट होगा। अभी तक जो आप खाली ये पढ़े थे पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, अब ये भी पढ़िए पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, हमने अपने किताब में दोनों को लिखा हुआ है। आप कहिएगा ये आयतन बढ़ेगा तो और चला, जो भी लोग ये नहीं भरे हैं फॉर्म नहीं भरे हैं, आप आज दिन में कभी ना कभी मेरा वीडियो एक आ जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे कैसे भरना चाहिए और क्या सोच के भरना चाहिए, तो वो उसका वीडियो हम आज दिन में कभी ना कभी रिलीज कर ही देंगे। तो कहते हैं पी बराबर 1/v होता है, तो आयतन बढ़ेगा तो दाब जो है वो घटेगा, आयतन घटेगा तो दाब जो है वो बढ़ेगा। यहाँ घनत्व बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, घनत्व घटेगा तो दाब का मान क्या होगा, घटेगा। अब बढ़िया से देखिए, कह रहा है दबाव बढ़ रहा है तो दबाव बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, और दबाव बढ़ेगा तो घनत्व का मान बढ़ेगा। अब इसको बढ़िया से लगाइएगा, तो दाब बढ़ेगा तो आयतन का मान क्या होगा, दाब और आयतन में उल्टा संबंध है तो आयतन का मान घटेगा। और अगर हम बात करें उसका घनत्व, घनत्व क्या होगा, तो दाब बढ़ाइएगा तो घनत्व का मान भी बढ़ जाएगा। आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, बढ़ता है, आंसर जल्दी से बता दीजिए, घटेगा और बढ़ेगा। तो व्हाट इज द आंसर, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बॉयल्स लॉ है। अगर यही हम चार्ल्स लॉ की बात करें, चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ क्या होता है जल्दी से बता दीजिए, पीबीटी बीसीजी अगर आपने पढ़ा होगा तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन पी इज द कांस्टेंट, ये चार्ल्स लॉ है। और गे-लुसाक लॉ की अगर हम बात करें, गे-लुसाक लॉ की अगर हम बात करें, गे-लुसाक लॉ की अगर हम बात करें तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये हो गया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक लॉ। ये तीन प्रकार के लॉ हैं, ऑब्वियसली आप पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना है, आप जल्दी से किताब खोलिए और पढ़ना शुरू कीजिए। कहते उच्चतम उष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान कीजिए। देखिए राधेक ईंट जो है, लकड़ी है, पानी है और बर्फ है, उच्चतम उष्मा चालकता वाले अधातु, अधातु जो है इसमें कौन हो जाएगा जल्दी बताओ, इसमें उच्चतम उष्मा चालकता वाला अधातु हो जाएगा बर्फ, क्योंकि सबसे ज्यादा उष्मा का चालन यही करता है। आप कहिएगा बर्फ, तो हम बोले थे अच्छे अच्छे प्रश्न करवाएंगे। आप कहिएगा बर्फ तो उष्मा का कुचालक है सर, नहीं बर्फ उष्मा का कुचालक है तो ये जो बाकी ऑप्शन है वो भयानक वाला कुचालक है। अगर बाकी ऑप्शंस, कुछ लोग कहेंगे सर उष्मा चालकता तो पानी की होती है, पानी की होती है चला, लेकिन इसकी विशिष्ट उष्माधारिता बहुत ही उच्च होती है या बहुत अधिक उष्मा ग्रहण करता है, अब बहुत कम चालन करता है। पानी, पानी का ही गुण है, ये बहुत अधिक उष्मा ग्रहण करता है, बहुत कम चालन करता है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्फ, बर्फ इज द राइट आंसर। घनत्व की भी अगर हम बात करें तो घनत्व जो है वो पानी का ज्यादा होता है और बर्फ का कम होता है। लेकिन अगर ऊष्मीय चालकता की बात करें, अगर हम ऊष्मीय चालकता की बात करें तो मेरे दोस्त ऊष्मीय चालकता किसकी ज्यादा होती है, ऊष्मीय चालकता बर्फ की ज्यादा होती है और पानी की कम होती है। पानी की अगर हम बात करें विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होती है, विशिष्ट उष्माधारिता जो होती है वो उच्च होती है। पानी की अगर हम बात करें तो विशिष्ट उष्माधारिता जो होती है इसकी वो उच्च होती है। पानी की अगर हम बात करें तो विशिष्ट उष्माधारिता जो होती है इसकी वो क्या होती है, उच्च होती है। उष्मीय चालकता की अगर हम बात करें तो बर्फ की सबसे ज्यादा और पानी की उससे कम होती है, जबकि घनत्व की बात करें तो पानी का ज्यादा होता है और बर्फ का कम होता है, इसीलिए तो बर्फ तैरता है। बर्फ का होता है 900 केजी पर मीटर क्यूब और पानी का होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका बर्फ हो जाएगा। कहता है इसमें अणु में कितने परमाणु हैं, कुछ नहीं करना है, गिन लेना है। आपको दिया हुआ है NH4 हॉल 2SO4 में परमाणुओं की संख्या, तो इसको गिन लीजिए। जैसे किसी के में भी अगर आपको कह देगा कि इसकी परमाणुओं की संख्या, एटॉमिसिटी इसको बोलते हैं, परमाणुओं की संख्या कितनी, तो गिन लेना है इसको। 4, 1, 5, देखो कैसे गिनते हैं, 4, 1, 5, दूनी 10। जल्दी से आप कमेंट कर दो क्या हो जाएगा आंसर, 4, 1, 5, दूनी 10, 1, 11, 4, 15, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 15। फिर से देख लो, 4, 1, 5, दूनी 10, 1, 11, 4, 15। उसी तरीके से अगर हमको गिनना है Al2SO4 में, Al2SO4 हॉल 3 में, तो कैसे गिनेंगे बताओ कितना होगा, जल्दी से तुम लोग कमेंट्स करो। ये हो जाएगा 4 × 1 तिया 15 दू 17। ये हो जाएगा मेरे दोस्त 4 × 5 तिया 15 दू 17। 4 × 5 तिया 15 दू 17 इज द आंसर। कभी भी किसी का भी अगर गिनना है, जैसे अगर आपको दे देगा बताओ जल्दी से MgSO4 into 7H2O, तो इसको कैसे गिनिएगा? देखिए हम बता देते हैं कैसे गिनना है। 2 × 3 सतह 21, फिर से देख लो 2 × 3 सतह 21, 4 × 25 1 26 1 27, देख लो 2 × 3 सतह 21 4 × 25 1 26 1 27, क्योंकि Mg 1 है, S 1 है, O 4 है। ये हो जाएगा 4 × 5 1 6, ये हो जाएगा 2 × 3 सतह 21 21 हो जाएगा कितना 27। M और G अलग अलग नहीं है, Mg दोनों एक है। अगला, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों का ध्यान केंद्रित किया? देखो अगर मेंडलीफ में कुछ लोग कार्बन और हाइड्रोजन मार देते हैं, जबकि इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बताओ क्या होगा आंसर? हाइड्रोजन और सोडियम की कार्बन और हाइड्रोजन की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मेंडलीफ ने जो ध्यान दिया था, मेंडलीफ की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो मेंडलीफ ने ध्यान आकर्षित किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर। और अगर हम बात करें मेंडलीफ ने जो ध्यान आकर्षित किया था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था। और बाद में अगर हम कहें जोड़ा, बाद में जोड़ा किसको? तो बाद में जोड़ा स्कैंडियम को, गैलियम को, और जर्मेनियम को। अगर कहेगा बाद में किसको जोड़ा, तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को। ध्यान किस पर आकर्षित किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। अब मेंडलीफ सबको पता है परमाणु भार के आधार पर किया था। मेंडलीफ की अगर हम बात करें तो परमाणु भार के आधार पर किया था। मेंडलीफ ने किसके आधार पर किया था मेरे दोस्त? परमाणु भार के आधार पर किया था। तो अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन और हाइड्रोजन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और कार्बन मिला के हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। अगर कहेगा हाइड्रोकार्बन में कौन होता है, तो कहेंगे हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और सोडियम नहीं होगा, कार्बन और सोडियम भी नहीं होगा। सोडियम की अगर हम बात करें, इसको चाकू से काट सकते हैं और ये जल से अभिक्रिया करेगा। जब जल से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। 100 बार का पूछा हुआ है। सबसे ALP CBBT 1 में पिछले बार पूछा था सबसे लंबी श्रृंखला कौन बनाता है? सबसे लंबी श्रृंखला जो बनाता है वो है मेरे दोस्त कार्बन। किधर गया? सबसे लंबी श्रृंखला जो बनाता है वो कौन बनाता है मेरे दोस्त? कार्बन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कभी कभी पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 यानी 2 2 4 2 6, यानी अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में कहेगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कहेंगे बाह्यतम कक्षा दूसरी कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे दोस्त? 4। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है? तो 2 और 2 4। अगला क्वेश्चन, एकदम चला सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत है। 13 था ना, 13 के बाद चलते हैं मेरे दोस्त 14 नंबर क्वेश्चन पे। जल्दी से एकदम क्या क्या कमेंट्स कर रहा है रे भाई मेरा। कहते हैं H2O और Cl2 मिलके बनाता है HCl और O2। H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? देखो चला, एक होता है ऑक्सीकरण, ध्यान देना बढ़िया से हम पढ़ा देते हैं, इसका अगले क्वेश्चन में भी हम लोग यूज करेंगे। हम चला जो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है वही लेकर आएंगे अगले 7 दिन तक। इजी इजी क्वेश्चन लाके तुम्हारा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। जो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है वो सब हम आपको 7 दिन में पढ़ा देंगे। जिन बच्चों को पढ़ना होगा वेलकम है आपका। ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें, ऑक्सीकरण, उपचयन, उसके बाद अपचायक, उसके बाद अवकारक, ये सब एक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अवकरण, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक, टी कारक, ऑक्सी कारक, ये सब मेरे दोस्त एक है। अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ेगा और मेरे दोस्त हाइड्रोजन जो है वो हटेगा। इसमें अगर हम आते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो हटेगा और हाइड्रोजन जो है वो जुटेगा। देख लो, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, इसमें ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब कह रहा है कि बताइए H2O2 कैसा काम करता है। H2O2 से आप गौर से देखिए, H2O2 से ऑक्सीजन हट रहा है। Here ऑक्सीजन इज इन माइनस, ऑक्सीजन माइनस हो रहा है। आप जल्दी से बता दीजिए 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। ऑक्सीजन इससे मेरे दोस्त माइनस हो रहा है, तो ऑक्सीजन माइनस हो रहा है मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में देखिए ये चारों में से कोई एक ऑप्शन में है क्या। अवकरण ऑप्शन में है नहीं, अपचयन ऑप्शन में है नहीं, उपचायक ऑप्शन में है, उपचायक है और ऑक्सीकारक भी नहीं है। तो बताइए H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है, जल्दी से बता दीजिए किसके रूप में कार्य कर रहा है। तो ऑक्सीकारक तो है ही ना, है इससे H2O2 से ऑक्सीजन हट रहा है, तो हट रहा है मेरे दोस्त इसका मतलब ये एक ऑक्सीकारक है। देख लो यहां ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीकारक है। फिर से समझ लो, हमने कहा ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयक, अवकारक, अवकरण, अपचयन, उपचयक, ऑक्सीकारक। इसमें ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता है, इसमें ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुटता है। तो मेरे दोस्त H2O2 में से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन हट रहा है इसका मतलब ये वाला टर्म में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, और ये वाला टर्म में एक ऑप्शन है, एक ऑक्सीकारक है, तो ये आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए। मेरे दोस्त 40 से 45 मिनट अगर आप हमको समय दे देते हैं तो हम आपका काम बहुत आसानी से कर देंगे। अगला एक मिश्र धातु, देखो मिश्र धातु की अगर हम बात करें तो मिश्र धातु के रूप में बताओ कौन है। जैसे आप पीतल ले लो, पीतल ले लो, उसके बाद आप सोल्डर ले लो, ये सब मिश्र धातु में आता है। तो बताओ सोल्डरे को ले लो ना, एगो सीसा और टीन का मिश्रण होता है, सीसा और टीन का मिश्रण होता है, ये मिश्र धातु है। मिश्र धातु होता है जब धातु में कुछ मिलाते हैं, धातु में अगर कुछ मिला देते हैं तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो बता इस सीसा और टीन है, सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण खूब पूछा जाता है। तो सीसा और टीन का मिश्रण, सीसा भी ठोस है, ये भी ठोस है, इसका मतलब ये एक ठोस विलयन है। आंसर बता दीजिए जल्दी से। पायस की अगर हम बात करें तो कोलाइड जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पायस और एक होता है जेल, यानी कोलाइड का ही एक प्रकार है तुम्हारा पायस। कोलाइड का ही एक प्रकार क्या है, पायस। कोलाइड का एग्जाम्पल है दूध, कोलाइड का एग्जाम्पल है रक्त, कोलाइड का एग्जाम्पल है गोंद, कोलाइड का एग्जाम्पल है शैम्पू, ये सब कोलाइड का ही एग्जाम्पल है। पनीर, ये सब किसका एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, कोलाइड का एग्जाम्पल है। ये सब किसका एग्जाम्पल है, कोलाइड का एग्जाम्पल है। और ये सोल्डर ले लो, कोई भी मिश्र धातु ले लो, सोल्डर ले लो, कांसा ले लो, पीतल ले लो, गन मेटल ले लो, कोई भी मिश्र धातु ले लो, ये ठोस में ठोस का क्या होता है, मिश्रण होता है। व्हाट इज द आंसर। कोलाइड विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक पायस होता है और एक क्या होता है, जेल होता है। और कोलाइड का एग्जाम्पल हो गया दूध, रक्त, गोंद, शैम्पू, पेंट वगैरह वगैरह। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, ठोस में ठोस का विलयन हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। देखो कितना लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया समझो। एक तत्व का एक मूल, देखो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, इस सब का एक मूल हो सकता है, सब का एक मोल हो सकता है जो उसका द्रव्यमान होगा। सबका एक मोल होगा और वो एक मोल क्या होगा मेरे दोस्त, सबका जो एक मोल होगा वो एक मोल क्या होगा, वो उसका द्रव्यमान होगा। अब गौर से समझना, सब तत्व, यौगिक और मिश्रण, सबका एक मोल जो होगा वो उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अब तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तत्व के सूक्ष्मतम कण को सबको पता होना चाहिए। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। गौर फरमाइएगा। अयौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। याद ना रहे तो याद रखिए, छोटका के बड़का और बड़का के छोटका, यानी यौगिक के छोटका होगा अणु और तत्व छोटा है इसका होगा बड़ा परमाणु। कहते कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत है? एक तत्व का एक मोल सही है क्योंकि तत्व यौगिक मिश्रण सबका एक मोल होता है। यौगिक का एक मोल ये भी सही है, और एक तत्व का एक परमाणु एकदम सही है, तत्व का परमाणु एकदम सही है। यौगिक का परमाणु गलत है, देखो यौगिक के अणु होते हैं, यहीं पर गलत हो गया। अब बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। किसी का भी तत्व यौगिक या मिश्रण का एक मोल हो सकता है, लेकिन तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तो तत्व का एक मोल सही है, यौगिक का एक मोल सही है, तत्व का एक परमाणु वो भी सही है क्योंकि तत्व के परमाणु होते हैं, यौगिक के अणु होते हैं। इसलिए आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? डी फॉर डॉग इज द आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डोबेरिनर के त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम है, सोडियम है और मेरे दोस्त पोटेशियम है? तीन गो है डोबेरिनर का, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। डोबेरिनर ने क्या कहा था मेरे दोस्त? उसने कहा था दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो पहला और तीसरा का योग होगा, पहले और तीसरे के योग का औसत होगा। जैसे इसका द्रव्यमान अगर 3, 7 है, इसका 11, 23 है और इसका मेरे दोस्त 19, 39 है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा देखो ये 39, तीसरा, पहला और तीसरा क्या हो जाएगा? डोबेरिनर ने त्रिक नियम दिया था, पहला का हो जाएगा 7, तीसरा का हो जाएगा 39 और 30/2, 39 + 7 बोले तो हो जाएगा 46, 46/2 हो गया कितना? 23। तो देख लो दूसरा का आ जाएगा। दूसरे का द्रव्यमान जो होता है वो पहले और तीसरे का औसत होता है। दूसरे का जो द्रव्यमान होता है वो पहले और तीसरे का क्या होता है? औसत होता है। आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो पोटेशियम इज द राइट आंसर। बेरियम का उपयोग मेरे दोस्त बारूद में किया करते हैं। बेरियम का उपयोग कहाँ करते हैं? बारूद में। बोरोन तो बोरोन है, बोरोन हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है और सबसे अधिक ऊष्मीय मान इसी का होता है। सबसे अधिक ऊष्मीय मान जो है वो इसी का होता है। सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? हाइड्रोजन का। 150 किलो जूल पर ग्राम, इसका 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है मेरे दोस्त? हाइड्रोजन का, 150 किलो जूल पर ग्राम। पोटेशियम ये हथेली पर पिघल जाता है, क्वेश्चन आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, हथेली पर पिघल जाता है कौन? पोटेशियम। गैलियम भी हथेली पर पिघल जाता है। What is the right answer? The right answer is पोटेशियम। जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 18 पे। कहते हैं SnCl2, HgCl2, SnCl2 और SnCl4। इस क्वेश्चन को चला आप तब बना सकते हैं जब आप ऑक्सीकरण अवकरण अच्छे से पढ़े हैं। हम अभी बना देते हैं लेकिन इसको आप इग्नोर कीजिएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो। ये होता है -1 गुना 2 -2, इस साइड आएगा +2, ये हो जाएगा आपका -1 गुना 2 -2, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा +2। यहाँ आइएगा -1 गुना 2 -2, ये 2x हो जाएगा, उस साइड चल जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। इधर आइएगा, ये -4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 गुना 4 -4, ये हो जाएगा +4। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब कह रहा है HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, तो ऑक्सीकृत होने के लिए और अवकृत होने के लिए आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, इस सब के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे दोस्त जरूर पढ़िए। अवकरण, अपचयन और उपचायक, इस सब में मेरे दोस्त ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये क्या होता है? घटता है। अब बढ़िया से देख लो। कहते हैं मेरे दोस्त HgCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है। HgCl2 में यहाँ ये तो -1 फिक्स है, यहाँ 2 से हो रहा है Hg का 1, तो मेरे दोस्त ऑक्सीकृत नहीं हो रहा क्योंकि ऑक्सीकृत तब होगा जब बढ़ेगा। यहाँ देखो 2 से दो से एक हो रहा है तो घट रहा है, तो घटेगा इसका मतलब ऑक्सीकरण नहीं अवकरण हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है, देखो SnCl2 में दो है और दो से हो गया चार, इसका मतलब ये ऑक्सीकृत हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी इसका मतलब गलत होगा। आंसर हो जाएगा 18 का क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। लेकिन ई आप इग्नोर कीजिए अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो, और नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़िए मेरे दोस्त, अभी बहुत समय है, जो जो चीजें आपने नहीं पढ़ी है उसको पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। एक लाइन का बात है, अगर हम कंटेंट अच्छा देंगे तो हमसे बच्चे पढ़ने आएंगे, आप कंटेंट अच्छा बनाइएगा तो आपका रिजल्ट होगा। मेहनत हमको भी करना है, मेहनत आपको भी करना है, इसलिए खूब मन लगा के हम लोग, हम मेरा चला 14 घंटा क्लास रहता है, 15 घंटा, तुम्हारे पास जो अभी आज खड़े हैं वो 16वें घंटे में खड़े हैं, इसलिए मेरे दोस्त खूब मन लगा के पढ़ना। उत्तक क्या है देखो, सबसे पहले तो एमिनो अम्ल होता है, एमिनो अम्ल की अगर हम बात करें तो एमिनो अम्ल से हम लोग किसका निर्माण करते हैं, एमिनो अम्ल से हम लोग निर्माण करते हैं मेरे दोस्त एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है, ध्यान देना, एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन से हम लोग उत्तक का निर्माण करते हैं, उत्तक से हम लोग अंग का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं, और अंग से हम लोग शरीर का निर्माण करते हैं, ध्यान देना। एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन से उत्तक का, उत्तक से अंग का, अंग से शरीर का। अब अगर हम कहते हैं जो उत्तक होता है वो सबके लिए, सभी के लिए समान होता है, अंग अलग अलग होता है, किसी का पूंछ होता है, किसी का ई, अगर हम बात करें उत्तक की अगर हम बात करें तो ये सबके लिए मेरे दोस्त समान होता है, और अगर अंग की हम बात करें तो ये सबका अलग अलग होता है। अब हमको ये बताओ, सब उत्तक लगभग सबका समान ही होता है, लेकिन अंग सबका क्या होता है, अलग अलग। अब आंसर बता दो क्या हो जाएगा। कहते हैं वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ए की बी किसी की डी, जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा। ई कोशिकाएं जो उत्तक होती है चला वो दिखने में और कार्य करने में दोनों में समान होता है, लेकिन अंग जो है वो दिखने में भी अलग होता है और कार्य करने में भी अलग होता है। जल्दी बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। सी की डी, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, जल्दी से लिख लो। उत्तक हर तरीके से समान, अंग हर तरीके से अलग। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, बता, सबको पता होगा, टेस्टिस का नाम सुना होगा मेरे दोस्त। टेस्टिस जो है ये स्पर्म का निर्माण करता है, टेस्टिस की अगर हम बात करें तो ये स्पर्म का निर्माण करता है। आंसर जल्दी से तुम लोग बता दो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। कल फिर मिलेंगे हम लोग 6 बजे, 6:05, 6:10 से हम लोग चला लाइव होंगे, और एकदम तैयार हो जाइए। 7 क्लास में जितने टफ क्वेश्चन है वो हम करवा देंगे आपको, लेकिन उसके लिए चला आपको कमर कस लेना है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। टेस्टिस स्पर्म का निर्माण होता है, वीर्यपुट्टिका तो संग्रह करेगा, प्रोस्टेट जो है वो स्पर्म को प्रोस्टेट की अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट जो है वो स्पर्म को गाढ़ा करता है, गाढ़ा और सफेद करता है, गाढ़ा और सफेद करता है, गाढ़ा और सफेद करता है। अगर हम प्रोस्टेट की बात करें तो ये स्पर्म को गाढ़ा और सफेद करता है। तो वास्ट डिफरेंस का कोई खास काम नहीं है। बताओ प्राथमिक यौन अंग पुरुष का क्या है मेरे दोस्त, टेस्टिस, क्योंकि यहीं पर स्पर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या था, उत्तक। उत्तक की अगर हम बात करें तो इसका सब कुछ समान होता है, अंग का सब कुछ क्या होता है, अलग होता है। ये हम बता दिया आपको कि इसमें SnCl2 2 से हो रहा है, Sn का 4, इसका मतलब ये ऑक्सीकृत हो रहा है। कौन सा डोबेरिनर के त्रिक में, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये डोबेरिनर का ट्राइड है, और ये कहता है कि दूसरे का द्रव्यमान बराबर होता है पहले और तीसरे का औसत। कौन सा कथन प्रयोग किए के लिए गलत है, तो यौगिक का परमाणु नहीं होता है, यौगिक का अणु होता है। फिर कहते हैं मिश्र धातु क्या है, ठोस में ठोस का मिश्रण है। H2O2 तो हम ऑक्सीकरण अवकरण आपको समझा दिए हैं। उसके बाद रासायनिक गुणों में मेंडलीफ हाइड्रोजन और कार्बन की बात नहीं किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात किया था, और स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में जोड़ा था। फिर इसमें तो खाली गिन लेना है मेरे दोस्त, जितना होगा उसको गिन लीजिए। उच्चतम ऊष्मा चालकता किसमें होती है, बर्फ में होती है। किसी वस्तु पर दबाव, दबाव बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और दबाव बढ़ेगा तो घनत्व का मान भी बढ़ेगा। सीमेंस की अगर हम बात करें तो चालकता का सीधा संबंध सीमेंस या महो से है। और धारावाही परिपथ में अगर हम बात करें मेरे दोस्त, धारा का बहाव विभवांतर के कारण, ऊष्मा का प्रभाव तापांतर के कारण, द्रव का प्रभाव घनत्व में अंतर के कारण होता है। घनत्व में प्रवाह के अंतर के कारण होता है। फिर इसको तो चला भी बराबर आई आर से, खाली यूनिट का ध्यान रखना। और ध्वनि क्या है, एक प्रकार की अशांति है। ई तो चला पी और एफ के बीच में रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। और फिर अगर हम बात करें एच बराबर आई स्क्वायर आर टी भी आई टी भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी पी इंटू टी हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हाफ एम भी स्क्वायर निकाल देंगे, क्योंकि कार्य का एफ एस कॉस थीटा भी होता है, एफ एस एम जी एच हाफ एम भी स्क्वायर। पहले सेकंड से आपको जोड़ना होगा। चला अगर आपको सवाल पढ़ना है, रियल में पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है तब तो कोई बात नहीं है। 3% से 11% में जाएंगे, जोड़ेंगे, 11% से 3% में जाएंगे, घटाएंगे। ये उन्हीं को समझ में आएगा मेरे दोस्त जो क्लास रेगुलर अभी किए हैं शुरू से। श्रेणी क्रम में धारा समान, वोल्टेज अलग अलग, समानांतर में वोल्टेज समान, धारा का मान अलग अलग। अगला 1 नंबर, यहीं तक चला आज का सवाल था। और समानांतर में घौर में वोल्ट मीटर, समानांतर में फ्यूज एमसीबी और लरी और आमीटर, ये सब श्रेणी क्रम में होता है। तो मेरे दोस्त कल फिर मिलते हैं हम लोग, 6:05 से 6:10 के बीच में लाइव हो जाएंगे और फिर से 20 अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। मिलते हैं इसी चैनल पे, एसके झा न्यू नाम से जो चैनल है, इसी पर हम लोग फिर अगली कक्षा करेंगे। और कल यानी आज जो है हम लोग एक कौन सा बोर्ड चुनना है उस पर भी वीडियो आ जाएगा, और कौन सी बुक्स हमारी आ रही है और आ चुकी है। मेरी चला बुक जो है 2-3 बुक्स जो आ रही है, मैथ रीडिंग और साइंस का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पे बुक आ रहा है, जिससे इतना प्रीवियस ईयर एक भी नहीं खरीदना है और सिर्फ उतने पढ़ के 2000-2500 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज पढ़ के आपका सारा प्रीवियस ईयर अपने आप पढ़ा जाएगा। और उसके बाद समय बचेगा तो पढ़िएगा, लेकिन उसी को मेनली आपको टारगेट करना है जो हम आपको देने वाले हैं। 3 किताबें आपको मिलने जा रही है और वो तीनों किताबें बहुत ही लाभप्रद आपके लिए साबित होंगी। और कल हम किताबों का लिस्ट भी हम आपको देने जा रहे हैं और कैसे कैसे आपको तैयारी करना। एक और वीडियो हमारा कल आएगा जिसमें हम ऑफलाइन में जो भी टेस्ट हो रहा है वो आप ऑनलाइन में कैसे एक्सेस करके दे सकते हैं और उसका डिस्कशन कैसे कर सकते हैं, उस पर भी हम कल एक वीडियो लाने वाले हैं। बाकी 9 तारीख से आपको बैच मिलेगा। 9 तारीख से आपको यानी कल से आपको बैच मिल जाएगा। 9/2/2024 से आपको बैच मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। ऑनलाइन अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं तो आप आस ऑफिशियल हमारा ऐप है, इससे जुड़कर आप हमसे बैच ले सकते हैं। और मेरे दोस्त रही बात चैनल की, तो एक बड़ा चैनल था जो चला गया, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग जिन्हें जितना साथ दिया उसके लिए मेरे दोस्त 100 बार धन्यवाद है। आप कोई बैच लें ना लें, किसी टीचर से पढ़ें, हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर YouTube में भी पर भी आकर अगर आप फ्री में भी कंटेंट जो हम पढ़ाते हैं उतना भी अगर आप आत्मसात कर लेते हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।